हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल मेरी स्क्रीन है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये अच्छे से हो रही है। तो देखिए, ये आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहला, आप अपना एक अलग कैमरा रख सकते हैं और वहाँ से आप सामने से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप एक कैमरा नहीं लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर बहुत से ऐप हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड आसानी से कर सकते हैं। तो इनमें से मैं आपको बेस्ट ऐप बताऊँगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो जब आप अपने मोबाइल से किसी को बताते हैं तो यहाँ से आपको कुछ इंडिकेट करना होता है, तो इसी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें बहुत से फीचर्स हैं उस ऐप में, तो मैं उस ऐप का आपको नाम बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर टाइप करना है सुपर स्क्रीन। तो देखिए, सुपर स्क्रीन और रिकॉर्डर। तो जैसे ही आप सुपर स्क्रीन रिकॉर्डर इतना सर्च करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक ऐप आ चुका है सुपर स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके का है, ये देख सकते हैं आप। इसका लोगो कुछ इस तरीके का है और इसका जो फुल नेम है वो देख लीजिए आप, सुपर स्क्रीन रिकॉर्डर नो रूट रिकॉर्ड RCN स्क्रीनशॉट। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, ओके। अब डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ इस तरह से आगे साइड करना है, ओके, इस तरह से, और एक और बार आगे साइड कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्टार्ट नाउ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ही आप देख सकते हैं, ये आपका आ चुका है। अब आपको अपने बैक आ जाना है स्क्रीन पर और यहाँ से ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस भी है, तो इस पर आप क्लिक करिए। और यहाँ से जैसे ही आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग वो शुरू होगी, तो कुछ इस तरह से आएगी। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन आपको सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं मिनट्स भी सिलेक्ट कर देता हूँ, 14 मिनट्स, ओके, 21 सेकेंड। और यहाँ पर रिकॉर्ड स्टार्ट और स्टार्ट नाउ पर क्लिक। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद आप चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को खोलते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी आपको अपनी मैं कुछ सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करनी है आपको। तो यहाँ पर अभी आपको इस पर आना है, ओके, और इसके बाद अब नीचे आप यहाँ से रिकॉर्डिंग मोड स्टैंडर्ड ही रखिए, वो भी बढ़िया है। और ऑडियो रिकॉर्ड इसे भी ओपन रखिए, क्लोज मत रखिए, क्योंकि ये आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। और बस, और ये सब सही है सब। और यहाँ से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से फीचर्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।